उत्तर प्रदेश के उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको एशिया के सबसे बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मानवता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप सब जान लीजिए, आपकी कोई परेशानी होगी वो मेरी परेशानी होगी, हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मरीज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मेरा मूल मंत्र है, वो सब आप याद रखिए, तीन चीजें, सफाई, दवाई और सुनवाई। सफाई जानते हैं, अच्छी सफाई होनी चाहिए। दवाई जानते हैं, यहाँ कमलेन जी कोऑर्डिनेटर है, सिस्टर रहेंगे, उनसे देखे दवाई मरीज को लेंगे। अब ये इंतजाम नहीं करेंगे कि मरीज का टेम्परेचर 103 हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर की अपर लिमिट होती है 99 डिग्री फारेनहाइट। 99 को जैसे ही क्रॉस करेंगे पैरास्टामोल दे देंगे। 60 किलो से कम का है, देख लीजिए ठीक ठाक है, तो 500 मिलीग्राम की पैरास्टामोल दे देंगे। अगर 60 किलो से ज्यादा का है तो 650 मिलीग्राम की पैरास्टामोल सिस्टर से लाके दे देंगे। सफाई हो गई, दवाई हो गई, ये तीसरा मैंने शब्द बोला सुनवाई। कोई मतलब बता सकता है व्हाट इज सुनवाई? सुनवाई का मतलब है मरीज क्या कहता है। भर्ती तो हो गई, सब सुनवाई नहीं हो रही, ये हमें नहीं सुनना है। अगर सुनवाई की शिकायत आएगी आप अपने समझ लीजिएगा नौकरी खत्म। आपकी टेम्पररी नौकरी है, ये चैलेंज है आपको, चुनौती है कि इस फेज में आप अच्छी नौकरी करके दिखाइए तो भविष्य खुल सकता है। इसी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने अपनी मेहनत से हमारी नजरों में आ गए तो कल को हम ही में से कोई इंटरव्यू में बैठेगा और आपको एक परमानेंट नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन अगर इस पहली दौड़ में, पहली चुनौती में आप फेल हो गए तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ये चैलेंज, मानवता की सेवा करने आए हैं, मानवता की सेवा करिए। जो मरीज भर्ती है अगर आपकी उम्र के आसपास का है तो आपका भाई है, पिता की उम्र का है तो वो पिता समान है, बाबा की उम्र का है तो बाबा के समान है। उसी तरह उसकी सेवा करिए जिस तरह से आप अपने भाई, पिता, बहन, आंटी, माता और दूसरे रिश्तेदारों की करते हैं। अरे आज से आप एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। आप 8-10 लोगों का हो सकता है आपके घर के अंदर परिवार होगा, लेकिन अब आपका परिवार 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के उनका परिवार का हिस्सा है। और आप जान लीजिए इस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरे उत्तर प्रदेश से मरीज आएंगे और उनको संदेश जाना चाहिए कि भाई हम लोग डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर अजय, डॉक्टर ज्योति वाजपेयी, कमलेश जी कोऑर्डिनेटर और हमारी सिस्टर, इन सबके टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये नया कोविड आईसीयू शुरू होने जा रहा है मुख्यमंत्री जी के आदेश से और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के आदेश से, और हम सभी को जी जान लगा के इसमें सेवा करनी है। लोग कहने लगे कि साहब केजीयू में तो हम कई बार भर्ती हुए, लेकिन एक यहाँ कोविड आईसीयू नया बना है, उसका नाम है आईडीएच कोविड आईसीयू। तो ये इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल का पार्ट है। इस इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में कोविड आईसीयू आज हम लोग निर्माण करने की प्रक्रिया में है। फ्यूमिंग सफाई की प्रक्रिया चल रही है, फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, वेंटिलेटर लाने की प्रोसेस चल रही है और दूसरी चीजें लाने की प्रोसेस चल रही है। और होपफुली हम लोग कल से इसको, यानी कि 20 अप्रैल से शुरू कर देंगे और इस प्रदेश की सेवा करेंगे। कोई प्रश्न पूछना है किसी को? जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारी शुभकामनाएं।